नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। भोजपुरी स्टार दिनेश यादव निरहुआ ने कहा है कि काशी से गुरुमुख हुआ, गायक बना और राजनीतिक पारी शुरू करने से पहले फिर एक बार काशी में गुरु के आशीर्वाद के लिए आया हूं। भोजपुरी सिने स्टार गायक दिनेश यादव निरहुआ ने कहा है कि मैं यहीं का गुरुमुख शिष्य हूं। जब मैंने गाना शुरू किया तब भी आशीर्वाद लेने आया था और आशीर्वाद मिला था। अब मैं राजनीति में शुरुआत करने जा रहा हूं तो अपने गुरु का आशीर्वाद लेने आया हूं। रामगोपाल यादव के बयान पर कि पीएम को कोई सीरियसली नहीं लेता, इस पर दिनेश यादव ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये उनका अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है कि कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता। ये वह कैसे डिसाइड कर सकते हैं? पूरी दुनिया मोदी जी को सीरियसली लेती है और पूरी दुनिया देख रही है कि किस ताकत के साथ वह हमारे देश को चला रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। आज पूरा देश चाहता है कि फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा के बयान वन मैन शो पर दिनेश यादव ने कहा कि यह उनका निजी विचार है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो दल से ऊपर देश को रखती है। भाजपा के लिए दल भी नीचे है लेकिन देश सबसे ऊपर। देखिए, जो कुछ जीवन में मिला है वो गुरु के आशीर्वाद से ही मिला है और हर किसी को, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, कहा जाता है गुरु के बिना ज्ञान होता नहीं है। और मुझे भी जो कुछ मिला है गुरु से ही मिला है, गुरु के आशीर्वाद से मिला है। और मैं जो हूँ, हर व्यक्ति जैसे गुरुमुख होता है तो मैं गुरुमुख यहीं से हुआ हूँ, अपने गुरु के यहाँ से। और एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। जब मैंने गायकी की शुरुआत की थी तो भी आशीर्वाद मिला था और अब मैं राजनीति में शुरुआत करने जा रहा हूँ तो अपने गुरु का आशीर्वाद लेने आया हूँ। और आपको पता ही है कि गुरु का तो ऐसा ही होता है कि गुरु का जो है वो बाहर से थपथपाते हैं, उनकी कमियों को निकालते हैं, सारी चीज़ों को, लेकिन उनकी जो आत्मा होती है वो अपने शिष्य के साथ होती है और वो चाहते हैं कि उसके अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी बुराइयां हैं वो दूर हो जाए और वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके, समाज में अपना अच्छा योगदान दे सके। तो बस यही आशीर्वाद गुरु से लेके यहाँ से जा रहा हूँ। कितने यादव आज नामांकन किए कन्नौज से, उन्होंने कहा कि जनता की राय पर वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। चुनाव देखिए, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी ताकत है हर व्यक्ति की, हर नागरिक की। तो जिसको जहाँ से भी मन करे चुनाव लड़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं है, वो उनका पर्सनल विचार होगा, कोई नहीं लेता है ये डिसाइड, वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पूरा देश जो है, सिर्फ अपना देश नहीं पूरी दुनिया जो है उनको सीरियस ले रही है और पूरी दुनिया देख रही है कि किस ताकत के साथ में वो हमारे हिंदुस्तान को आज चला रहे हैं। और पूरा देश चाहता है कि वो फिर से देश के प्रधानमंत्री बने ताकि हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। मुझे लगता है ये उनका निजी विचार है, पर मेरा विचार ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो दल से ऊपर देश को रखती है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।